यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें द स्टडी नॉलेज डॉट कॉम, वहां पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ट्वेल्थ पीसीएम सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, उसका हम जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हम सॉल्यूशन कराना प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये है भौतिक विज्ञान का, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आज हम बताएंगे और इसके आगे भी क्वेश्चन आएगा, हम उसको भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की नियम लिखिए। किसके नियम लिखने के लिए कह रहा है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम क्या होता है ये हमको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये चैप्टर हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब रिवीजन का टाइम आ चुका है। तो रिवीजन, ठीक है, रिवीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए हम बात करेंगे इसके आंसर पे, तो इसको कैसे लिखेंगे। पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं, आइए हम इसको लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो प्रकाश, सॉरी यहां से लिखेंगे, वैज्ञानिक लेनार्ड, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, लेनार्ड, तथा मिलिकन, ये मिलिकम नहीं है, मिलिकन है। ठीक है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के, ठीक है, प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए। किसके आधार पर नियम दिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों के, प्रयोगों से उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया, कुछ प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, तो उससे जो उसका रिजल्ट पाया उन्होंने, ठीक है, परिणाम जो पाया उससे प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए। वो क्या नियम दिए जरा आइए समझते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी उष्मा उत्सर्जन के नियम कहलाते हैं। तो कौन कौन से नियम हैं हम उनको समझेंगे एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वैज्ञानिक का नाम क्या है, लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश वैद्युत के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं। ठीक है, जिन्हें प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर उष्मा उत्सर्जन के नियम से जाने जाते हैं या फिर कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको समझते हैं और भी बेसिक। तो इसमें बोला गया है कि नियम लिखिए, तो आइए नियम को समझते हैं, कौन से नियम है इनके। तो देखिए इसको क्वेश्चन बताया जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्न हैं, कौन कौन से हैं, आइए हम समझते हैं। बेसिकली हमने 4 टॉपिक लिया है इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ सके और आपको कहीं प्रॉब्लम भी ना हो सके और अच्छे से आप लिख भी सके। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो, और नहीं आएगा तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो समझिएगा, पहला बताया जा रहा है इसमें कि किसी धातु की सतह से, ठीक है, कोई धातु है उसकी सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यह इनका पहला नियम था। तो पहला नियम क्या है कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यह इनका पहला नियम है। ठीक है, देखिए जो थ्योरी है ना वो थोड़ा याद करने में बहुत ही डाउट सा होता है, लेकिन अगर एक बार समझ लेते हैं उसके पीछे का लॉजिक कि क्या होता है रियल में, तो आपको थ्योरेटिकल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए दूसरा नियम समझते हैं। तो दूसरा नियम बताया जा रहा है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।
ठीक है। तो इसमें क्या बताया जाएगा कि प्रकाश, जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, ठीक। तो ये इनका दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या है, आइए हम आपको ये भी समझा देते हैं। तो तीसरा नियम है इनका, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिक गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। तो कहने का मतलब कि जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है तो प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाती है, ठीक है। तो समझिए बात से, ध्यान से, तो इसमें यही चीज बताई जा रही है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। कहने का मतलब कि जो प्रकाश की आवृत्ति है उस पे यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जब वो बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा, ठीक है। तो आइए अब हम चौथा नियम समझेंगे इनका। तो चौथा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा, चौथे में बताया जा रहा है आपको क्या, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, ठीक है, किससे कम है, एक न्यूनतम मान से कम है, न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है, जो न्यूनतम मतलब उसे कम कहते हैं, उसे बोला उस मान से भी कम, तो अधिक, सॉरी, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यह न्यूनतम आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, यह इनका चौथा नियम है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से। तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, न्यूनतम तो पहले से ही कम होता है, और भी कम हो जाए, इसमें यही बोला जाए न्यूनतम मान से कम हो, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यह न्यूनतम आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये था इनका चौथा नियम। तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आइए देखिए क्वेश्चन 15 क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है, उनके प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखना है तथा इसकी व्याख्या कीजिए, और इनकी व्याख्या कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको कम से कम इतना लिखिए कि एग्जामिनर 3 नंबर दे सके, ताकि ज्यादा लिखने से आपका ज्यादा समय जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर के हिसाब से लिखना होगा और इसके अर्थ को आपको क्लियर थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आइए हम आइंस्टीन के वैद्युत प्रभाव के समीकरण को लिखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है, चलिए। तो ध्यान देखिएगा, तो इस उत्तर में हम पहले क्या करेंगे, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है पहले हम उसको लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन आइंस्टीन की प्रकाश, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना राइटिंग हमारा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं हमको कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से भी लिखने की कोशिश की जा सकी की जाएगी अगर नहीं समझ में आएगा तब, ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, ठीक है। प्रकाश वैद्युत समीकरण, वैद्युत समीकरण, ठीक है। तो जो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है वो होता है आपका 1/2 mv², ठीक है, mv² इक्वल टू एच ब्रैकेट में v - v₀, ठीक है, सॉरी यहां पे एम वी मैक्स रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका, ये हो गया आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। तो इतना आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, इतना करेंगे आप, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसका मतलब समझा देते हैं इसमें कि जहां क्या है यम इक्वल टू क्या होगा, जो यम है आपका वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो वी मैक्स है, ठीक है, जो ये वी मैक्स है ये क्या है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की
अधिकतम वेग है, वीमैक्स लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे हम उत्सर्जित उत्सर्जित, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम वेग हो गया। तो ये क्या है, ये वी मैक्स को कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें यच क्या है आपका, यच है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है, ये हो गया यच। अब क्या आएगा, भी, तो इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी दिया है आपका धातु पर आपतित फोटो आपतित फोटान की आवृत्ति, तो हम लिखेंगे क्या, धातु पर आपतित आपतित फोटान की आवृत्ति, ठीक है, ये हो गया आपका भी का मतलब, ठीक है। अब एक चीज इसमें आपको ये ध्यान देना है, तो इस भी की वैल्यू देखिए, इसमें हमने यम का मतलब समझा दिया है, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, ठीक है, और क्या है, भी मैक्स का मतलब बता दिया, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग हो जाएगा, और आपका ये जो भी है, ये वाला भी, ये क्या हो जाएगा, धातु पर आपतित फोटान की आवृत्ति, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, कि इसमें आपका जो भी जीरो है ये क्या है, तो इसमें आपका भी जीरो हो जाएगा क्या, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक। तो ये हमने सारा आपको मैटर समझा दिया कि इसमें कौन सा क्या है, तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या कैसे करेंगे समझिएगा, तो इसकी व्याख्या करेंगे तो हम लिखेंगे कैसे, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर वैद्युत प्रकाश सॉरी वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। तो इसमें काफी पॉइंट है, ठीक है, चार पांच पॉइंट है, तो हमने आपको एक ही पॉइंट लेकर समझाएंगे, बाकी आप अपने बुक से देखकर कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। तो पहले समझिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी धातु पृष्ठ पर आपतित निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है, किसकी बढ़ाई जाती है, आवृत्ति प्रकाश की तीव्रता की बढ़ाई जाती है, ठीक है, तो सतह पर प्रति सेकेंड आपतित फोटानों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाती है, परंतु प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच म्यू नियत रहेगी, ठीक है। आपतित फोटान की संख्या बढ़ने से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना हम आप व्याख्या में आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 नंबर के ही जैसा लिखना होगा, ठीक है, और ज्यादा छोटा लिखेंगे तब भी नंबर कट सकता है, और बहुत ज्यादा बड़ा लिखेंगे तब भी आपको 3 ही नंबर मिलेगा। तो आप ऐसा करिए कि आपका समय भी बचे और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। ज्यादा टाइम अगर आप एक ही क्वेश्चन पे दे देंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके साथ एक नया क्वेश्चन बताते हैं आपको, नए क्वेश्चन के बाद, जो ये अभी हमने बताया आपको 15वां क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताया जा रहा है क्या, लुई डी ब्रोगली की के द्रव्य तरंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको हम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि द्रव्य तरंगे क्या होती है, ठीक है। तो आइए द्रव्य तरंगे के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम इसका सूत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सन 1922, क्या आप लोग 1922 में थे क्या, नहीं रहे होंगे ना, कुछ लोग नहीं रहे होंगे, मतलब कोई नहीं रहा होगा, ठीक है। तो बात करेंगे सन 1922 में डी ब्रोगली ने विचार किया कि पदार्थ और विकिरण की पारस्परिक क्रिया समझने के लिए कणों को अलग अलग रूप में न मानकर तरंग पद्धति से समन्वित माना जाए, ठीक है, माना जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। कौन बताया ऐसा,
ऐसा आपको ब्रोगली ने यानी डी ब्रोगली ने बताया। क्या बताया? कि उन्होंने बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस सिद्धांत को सत्यापन, जो ये सिद्धांत था उसको सत्यापन किसने किया? सत्यापन डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। उन्होंने सत्यापित किया कि इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है। किसका देखा जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज है उसका विवर्तन देखा जा सकता है। इसे सत्यापित करके कौन बताया? डेविसन और जर्मर ने बताया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, जो एक तरंग का गुण है। किसका गुण है? जो यह एक तरंग का गुण है। ठीक है, अतः द्वैती प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य तरंगे में भी होती है। तो ये हो गया आपका द्रव्य तरंगे। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सूत्र जो है वह स्थापित करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भी आवृत्ति की प्रकाश तरंग से बद्ध फोटान की ऊर्जा, यानी यहां पे E बराबर हो जाएगा फोटान की ऊर्जा क्या, E बराबर HV। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम मानेंगे इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे यम गति। ठीक है, यम गतिक द्रव्यमान के फोटान की ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपको पता होगा कि यम, ठीक है, जो यम गतिक जो द्रव्यमान बताया गया ना, तो इसमें एक समीकरण आपको पता होगा। ठीक है, क्या पता होगा, इसके लिए हो जाएगा E बराबर MC स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत ही जाना माना समीकरण है E बराबर MC स्क्वायर होता है ना, तो इससे हम मानेंगे समीकरण नंबर दो। ये हो गया समीकरण नंबर एक, ये हो गया समीकरण नंबर दो। तो क्या करेंगे अब हम, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका LHS बराबर है, मतलब ये भी E बराबर है, ये भी E बराबर है, जब LHS बराबर होता है तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो समीकरण एक और दो से देखा जाए तो हमारा MC स्क्वायर इज इक्वल टू HV हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम यहां से M की वैल्यू निकालें, यहां से, ठीक है, तो जब M की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो अगर M इज इक्वल टू देखा जाए तो H भी ऊपर रहेगा और C स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि फोटान का संवेग, ठीक है, फोटान का संवेग ठीक है, तो जब फोटान का संवेग निकालेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू M इंटू C। ठीक है, P बराबर M भी होता है, होता है कि नहीं, लेकिन यहां पे P बराबर M इंटू C लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आइए अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा P बराबर M का वैल्यू क्या है, M का वैल्यू हमने यहां पे निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा HV अपॉन C स्क्वायर इंटू, अब क्या है, C है। ठीक है, समझ आ रही बात, तो एक C से एक C, ये मतलब इस C से एक C कट जाएगा, तो मिलेगा हमको P बराबर HV अपॉन C, मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो जब ये मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, परंतु तो ये ध्यान दीजिएगा लेमडा, ठीक है, बी बराबर एच सी लेमडा होता है, क्या होता है, बी बराबर एच सी लेमडा होता है फॉर्मूला, तो अगर लेमडा बराबर देखा जाए तो सी अपॉन भी, ये होता है फॉर्मूला, आपको पता है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, पी इज इक्वल टू एच अपॉन सी बाई भी, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया ऊपर क्या, कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई
भी, बताया कि नहीं? अभी जस्ट हमने अभी आपको बताया, तो यही वाली वैल्यू हम यूज करेंगे, ये वाला इस समीकरण में यही वाला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है। अगर एक चीज पूछा जाए सी बाई वी का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे लेमडा, ठीक है ना, बोलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एच ऊपर रहेगा और C बाई वी की जगह पे हम लेमडा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो यहां रख देंगे लेमडा, ठीक। तो P इज इक्वल टू एच बाई, सॉरी एच बाई लेमडा आ गया, क्लियर है इतना। तो हम लिखेंगे क्या, अर्थात अर्थात फोटान से बद्ध, ठीक है, फोटान से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दर्द लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। कैसे होगा ये समझिएगा, अगर हम इस लैम्डा को यहां ले जाएंगे तो पी नीचे आ जाएगा, तो एच बाई पी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अगर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो हम कह सकते हैं एक फार्मूला को पता है, पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है कि नहीं, पी बराबर एम वी, पी क्या आपका संवेग है, तो ये होता है पी बराबर एम वी, आप पढ़े होंगे आपको पता होगा ये सूत्र, अगर नहीं पता है तो जान जाइए ये होता है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम, इसमें हम जो पी है ये पी हम कहां रखेंगे, जो एम वी इसकी वैल्यू है यहां पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह एम वी रख देंगे तो हो जाएगा एम वी, ठीक। यही ये हमारा निकल के आ गया जो हमको निकालना था इसका सूत्र, ठीक है। यही हमको क्या करना था, स्थापित करना था, क्या तरंगों क्या सिद्ध करना था, द्रव्य तरंगों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र। तो तरंग दैर्ध्य का होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।